भगवान का ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जप करने का कोई नियम नहीं है। खाते बैठते सोते चलते फिरते काम करते कभी भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, यहाँ तक कि शौच करते समय में भी भगवान का नाम ले सकते हैं, और समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी सुबह के समय में अपने जीभ को दांत से दबा करके शौचालय जा रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु जी, आप जो है अपने दांतों से जीभ को क्यों दबाए हुए हो? उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, ये मेरी जीवा जो है एक घड़ी भी भगवान का नाम लिए बिना रहती ही नहीं है, यह मेरी जीवा हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहती है, और तुम ही बताओ कि मैं जो है शौच करने जा रहा हूं तो कैसे भगवान का नाम लूंगा, इसीलिए मैं अपने दांतों से जीवा को दबा करके रखा हूं। उस समय उस गोपाल ने, उस भक्त ने बहुत सुंदर बात कही। उस भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु जी, आप हमें यह बताइए कि शौच करते समय ही अगर मृत्यु आ गई तो क्या उस समय भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए? उस समय चैतन्य महाप्रभु उस भक्त के चरणों में पड़ गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने बहुत सही बात कही कि भगवान के नाम से ही कल्याण होने वाला है, और शौच करते समय में ही अगर मृत्यु आ गई और हम भगवान का नाम नहीं ले तब तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम कल्याण से वंचित रह जाएंगे, अतः शौच के समय में भगवान का नाम ले सकते हैं। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि यद्यपि शौच करते समय भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस समय अगर मृत्यु आ गई तो ले सकते हैं।